योहन्ना का दूसरा खत पहला बाब मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगुजीदा बीबी और उसके फरसंदों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ जो हम में कायम रहती है और अब तक हमारे साथ रहेगी और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सब भी मोहब्बत रखते हैं जो हक से वाकिफ हैं खुदा बाब और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इतमान सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहेंगे सच्चाई और मोहब्बत मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था हकीकत में चलते हुए पाया अब ए बीबी मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वो ही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करके कहता हूं कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्म होकर आने का इकरार नहीं करते गुमराह करने वाला और मुखालफ मसीह यही है अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया न हो जाए बल्कि तुमको पूरा अजर मिले जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है तस्लिमान मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है मगर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता बल्कि तुम्हारे पास आने और रूबरू रूब बातचीत करने की उम्मीद रखता हूँ ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो तेरी बरकुजीदा बहन के लड़के तुझे सलाम कहते हैं